तमिलनाडु गस्तर द्वितीय दिन में प्रधानमंत्री मोदी विभिन्न योजनार उद्घाटन सह शिलान्यास करिसेंति। मोट 17,300 कोटी टंकार भेटी देइछेंति मोदी सरकार। देशर प्रथम हाइड्रोजन हब पोर्ट उद्घाटन करिसेंति। एही समय डीएमके और कांग्रेस उपरे बर्षिसेंति मोदी। मोदी कहिसेंति डीएमके सरकार राज्यवासी स्वार्थ पई काम करेनी, केवल वंशवाद उद्देश्य रे राजनीति करे। मिछरे बहादुरी मारिबा, अन्य का अधिकार प्रशंसा छड़ाई नेबा दल देश धुरंधर। केन्द्र सरकार को योजना को मिथ्या प्रचार करे, देशर वैज्ञानिकों का अपमान करे। पहले जो डीएमके के नेता थे वो अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए जिंदगी भर लगे रहे, अब जो मुख्यमंत्री है वो अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाने में लगे हुए है। ये सारे डीएमके वाले अपने बच्चों को सेट करने में लगे हैं और आपका भविष्य अपसेट करने में लगे हैं। वे उनके बच्चों का भाग्य बनाना चाहते हैं और मोदी आपके बच्चों का भाग्य बनाने की गारंटी लेके आया है। उन्होंने हमारे साइंटिस्टों का अपमान किया, हमारे स्पेस सेक्टर का अपमान किया, आपके टैक्स के मनी का अपमान किया, आपका अपमान किया। ऐसा आंखें बंद करने वाले, पूरी तरह न देख पाने वाले ये डीएमके को अब सजा करने का मौका आ गया है। तमिलनाडु और तमिल लोगों से मेरा इतना लगाव है कि हमने तमिलनाडु की संतान एक दलित बेटे को मंत्री बनाया है। वो तमिलनाडु से जीत करके नहीं आया था तो हमने हार्टलैंड हिंदी, हिंदी भाषी मध्य प्रदेश से दोबारा उनको राज्यसभा से भेजा है। सदियों के इंतजार के बाद अयोध्या में प्रभु राम का राम मंदिर के निर्माण से पूरा देश खुश है। इसी विषय पर संसद में एक प्रस्ताव आया था, अभी कुछ ही दिन पहले पार्लियामेंट में एक रिजोल्यूशन आया था, लेकिन इस दौरान डीएमके के सदस्य सारे एमपी सदन छोड़कर के भाग गए। डीएमके इस व्यवहार ने फिर साबित किया है कि उन्हें आपकी आस्था से कितनी नफरत है।